जो प्लेटें कितने रुपए किलो के हिसाब से पड़ेंगी हमें? ये भाई अपने यहाँ स्टार्टिंग जो होती है 160 रुपए पर केजी के हिसाब से होती है। 108 रुपए की कटोरी है। ये 8 रुपए की कटोरी है भाई। ये 8 रुपए की कटोरी है, ये सबसे सस्ती प्लेट है, ठीक है भाई साहब। ये कितने पड़ेगा भाई? ये जो लंगर में होटल में जो थालियाँ चलती है ना, वो इस तरह की आती है। और ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, नीचे मटका बना हुआ है और ऊपर जग। और शुरू करते हैं चम्मच पर, ठीक है। ये बड़े बड़े चमचे हैं, मैंने ये छन्नी 10 रुपए की है, ठीक है। और ये बाजार में कितने की मिलती है? ये 2.5 लीटर का। ये 2.5 लीटर का है, कितने का आएगा? नमस्कार, मैं आपका अपना अरुण वशिष्ठ और आज आ गया हूँ भाई डिप्टीगंज मार्केट। इस मार्केट को बर्तनों के मार्केट से भी जाना जाता है। यहाँ भाई बहुत ही सस्ते रेट पे बर्तन मिलते हैं, काम रिटेल और होलसेल दोनों में किया जाता है। ये देखो, ये मार्केट डिप्टीगंज मार्केट के नाम से जानी जाती है। तो भाई पूरी मार्केट कवर करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ें कवर करेंगे, तो भाई वीडियो में बने रहना। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ठीक है। अब इनसे हम रेट पता करेंगे। जो आप देख सकते हो कटोरी कटोरी चारों तरफ ग्लास हैं, प्लेटें हैं, हर चीज़ है इनके पास, हर चीज़। तो भैया आप जो डील होलसेल में करते हो या रिटेल में भी कर लेते हो? अपना मेन तो होलसेल का है, बाकी होलसेल रिटेल। रिटेल में दे दोगे ना? जैसे कोई 10-12 पीस लेने आए तो दे दोगे? तो भाई ये रिटेल में भी कर लेते हैं। तो मुझे आप कटोरियाँ बताओ, सबसे सस्ती कटोरी कौन सी आपके पास? सबसे कटोरी सस्ती ये कटोरी है, ये कटोरी हैवी है, क्वालिटी है, बढ़िया चीज़ है, ब्रांडेड है, दाम में रिजनेबल है। ये कितना है, कितने का पड़ेगा? ये 20 रुपए की पड़ेगी। 20 रुपए की कटोरी पड़ेगी। अंदर भाई इसके बना हुआ भी है, पेंटिंग से हो रखी है। ये 20 रुपए पड़ेगी। अगर बल्क में लिया जाए तो? बल्क में लिया जाएगा तो थोड़ा और गुंजाइश हो जाएगा, लगभग 17 रुपए की पड़ जाएगी। 17 रुपए पड़ जाएगी अगर बल्क में लोगे तो। इसके बाद इससे सस्ती रेंज भी है, ये 10 रुपए की रेंज का। ये भाई 10 रुपए की कटोरी है, ठीक है। और ठीक है, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें डिजाइन बना हुआ है और ये प्लेन में है। ये रुपए की कटोरी है, ये 8 रुपए की कटोरी है भाई। ये 8 रुपए की कटोरी है, ठीक है। 8 रुपए की है, ये 10 रुपए की है और ये 20 रुपए की है, ठीक है। इसके बाद इससे बड़ी कटोरी जो आती है भगोने, इससे बड़ी कटोरी ये देखो, हाँ ये कितनी पड़ेगी? ये 25 रुपए की। अगर ज़्यादा लिया जाए बल्क में लिया जाए तो? बल्कि ये 35 रुपए की, ये थोड़ी हैवी हो गई, ठीक है। और इसके बाद ये 35 रुपए की है। इसके बाद जो आएगा वो 47 रुपए। ये कितने की? 45। ये 45 रुपए की है, साइज़ भी बड़ा है इसके अंदर। और इसमें यानी कि अगर आप सामान डालोगे वो भी ज़्यादा आएगा, बड़ा साइज़ है। 50 रुपए। ये 50 रुपए, वेट बढ़ रहा है इनका सबका, इसमें डिज़ाइन ही बना हुआ है, ठीक है। और ये इससे बड़ी, ये इससे बड़ी है। ये कितनी पड़ेगी? ये 70 रुपए। ये 70 रुपए पड़ेगी भाई, 70 रुपए पड़ेगी। और ये तो ये किस काम आता भाई? ये सर्विंग बॉक्स। सर्विंग बॉक्स, इसको सर्विंग बॉक्स बोला जाता है। ये कितनी पड़ेगी? ये पड़ेगा आपको 150 का। ये 150 रुपये पड़ेगा भाई, ठीक है। अब हम आते हैं प्लेटों पर। अच्छा, सबसे सस्ती प्लेट कौन सी आपके पास? ये सबसे सस्ती प्लेट है, ठीक है। ये 14 रुपए की भाई, ये प्लेट है 14 रुपए की, ठीक है। इसके बाद ये इसमें यानी कि पूड़ी वूड़ी डाल के आराम से आ जाएगा। ये छोटी प्लेट है थोड़ी, 14 रुपए की। ये 20 रुपए की है भाई। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है साइज़ का? साइज़ का, ये साइज़ का फ़र्क है भाई। ये 20 रुपए की है, ठीक है। और इसके इससे बड़ा साइज़ ये कितने की? 35 रुपए। ये 35 रुपए की है भाई, ठीक है। और इसके इससे बड़ी, इससे बड़ी भाई ये आती है, ये 50 रुपये प्लेट है, ठीक है। 50 रुपये प्लेट है। इससे बड़ी 120। ये 120 रुपये प्लेट है भाई, ठीक है। ये बड़ी है। इसके बाद 85, 80, ये 85 रुपये की है, ठीक है। इसके बाद ये 150 रुपये प्लेट है, हैवी है, ठीक है। 150 रुपये प्लेट है। इसके बाद ये 200 रुपए की है। अब इसमें शेप में फ़र्क आ गया, इसमें कौन, ये बिल्कुल सीधी थाली होती है। सीधी थाली, हाँ ये सीधी थाली है भाई, ठीक है। ये एनपी थाली होती है। ये कौन सी थाली है? एनपी थाली है, ठीक है। ये भाई थालियों के सारी आपको मैंने चीज़ें दिखाई। अब आएंगे गिलास पर। सबसे सस्ते रेंज में गिलास कौन सा है? हाँ ये देखो भाई साहब, ये कितने पड़ेगा? ये 20 रुपए का पीस है। ये 20 रुपए पीस पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इसे सस्ते वाला पड़ा आपके पास? सबसे सस्ता वाला कौन सा आपके पास? ये भाई ये सबसे, ये 15 रुपए गिलास है सबसे सस्ता, ठीक है। और इसके बाद जो आएगा वो गिलास आएगा 20 रुपए का। दोनों में साइज़ लगभग सेम है, थोड़ा वेट में फ़र्क है। ये कमर्शियल में यूज़ होता है,
ठीक है। और ये इस ये भी कमर्शियल यूज़ होता है, पर ये थोड़ा वेट ज़्यादा है, इसमें हल्का था। उस 20 के बाद आएगा तो ये गिलास आएगा, ये कितने पड़ेगा? 25 रुपये। ये 25 रुपये पड़ेगा। शेप में फ़र्क आ गई, शेप अलग अलग है दोनों की, आप देख सकते हो, ये चौरस में और ये गोल में। उसके बाद 25 के बाद ये 35 रुपये का है। ये 35 रुपये का है, हैवी में मॉडल सेम है बट वजन में फ़र्क आ गया, ये 35 रुपये पड़ेगा। इसके बाद ये 40 रुपये का गिलास है, साइज भी बड़ा आ गया, इसमें ज़्यादा माल आएगा यानी पानी भी उन्हीं ज़्यादा आएगा इसके अंदर। ये 50 रुपये पड़ेगा भाई जी, ठीक है। ये 50 रुपये का गिलास पड़ेगा, हैवी है, डिज़ाइन कितना अच्छा है देख सकते हो, कारीगरी कर रखी है इसके अंदर, तो एक फूल भी बना हुआ है देख सकते हैं आप। इसके बाद ये भी 50 का है, 60 एप्पल बना हुआ भाई, ये एप्पल कंपनी का जो फ़ोन आता है वो डिजाइन है भाई, जब भी महंगा ये एप्पल का एक मना हुआ ना इसमें तो भाई 60 रुपये का। इसके बाद ये कितने आएगा? 70। ये 70 रुपीज़ का आएगा भाई, ठीक है। भाई ये जो लंगर में होटल में जो थालियाँ चलती है ना वो इस तरह की आती हैं, और इसमें सब कुछ आ जाता है, सब्जी, दही, सलाद, रोटी, सब कुछ आ जाता है। कमर्शियल काम में भी चलती है, कहीं आप थाली लेने जाओगे तो यही चलती है इस। हाँ ये कितनी पड़ेगी भाई जी? ये 100 रुपीज़। हाँ 100 की, ये 100 रुपये की पड़ेगी भाई, ये थाली 100 रुपये पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद जैसे होटलों में रायता वायता सब्जी वब्जी देते हैं तो वो इस तरह की आती है, ये कितनी पड़ेगी? ये 50 रुपये पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक छोटा वर्जन और आता है, ये देखो ये कितने पड़ेगा ये थाली? ये 80 रुपये थाली पड़ेगी भाई, ठीक है। ये 60 रुपये की, 70 की, वो 60 की है। अच्छा ये 70 की है, ये 60 की है, ठीक है। ये 60 की, ये छोटा वर्जन आ गया सबसे, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ आपको, ये कमर्शियल यूज़ करने के लिए ये 60 रुपये की थाली है, ठीक है। ये 70 रुपये की थाली है, इससे बड़ा साइज़ आ गया, ये होटलों में चलने वाली थाली है। इसके बाद आते हैं ये 80 रुपये की थाली है, ठीक है, और ये बड़ी वाली 100 रुपये की। ये सारी थालियाँ होटलों में चलती हैं, ठीक है। अब हम कवर करेंगे ये लाइक। अरे ये क्या है? ये स्पेशल जगह है। अच्छा स्पेशल है, न्यू डिजाइन का। अच्छा है, मटके सेप में। ये मटका है, नीचे मटका है और ऊपर जग बना हुआ है। जग बना हुआ है, इसकी नॉब जो है ब्रास की है पूरी। ये देखो शेप भी, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, 2 मीटर कैपेसिटी है इसकी। ये देखो यार ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, नीचे मटका बना हुआ है और ऊपर जग, और इसकी ग्रिप दिखाता हूँ, ग्रिप भी ठीक है। मैंने सोचा एक दूसरे के पर रखा हुआ है पर ये भाई चिपका हुआ है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक ये स्पेशल जग देखो। हाँ ये जग, ये 3.5 लीटर का जग। अच्छा 3.5 लीटर का, 3.5 लीटर का जग है ये स्पेशल कैटरिंग में, लस्सी वगैरह का यूज में। अच्छा ये कितने पड़ेगा? ये है 380 रुपये का जग। ये 380 रुपये पड़ेगा जग, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पर इस मार्केट में इसलिए आया कि मैंने यहाँ सुना कि यहाँ किलो के हिसाब से बर्तन मिलते हैं, या किलो के हिसाब से मिलते हैं बर्तन? हाँ जी हाँ बिल्कुल, वजन। अच्छा? से वजन से ही आता है। अभी आपने आगे प्लेट्स वगैरह देखी थी। हाँ ये भाई वेट है वजन का हिसाब। तो भाई ये जो प्लेटें कितने रुपये किलो के हिसाब से पड़ेंगी हमें? ये भाई अपने यहाँ स्टार्टिंग जो होती है 160 रुपये पर केजी के हिसाब से होती है। 160 है, 180 है, 200 है, 250 है, बहुत सारी वैरायटी है। जब आप किलो के हिसाब से लेना चाहोगे तो 160 रुपये किलो के हिसाब से आपको यहाँ प्लेटें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे उनकी क्वालिटी बढ़ेगी रेट बढ़ते रहेंगे, ठीक है। 160 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ चालू हो जाएगा। अच्छा गिलास भी सेम रेट है? नहीं गिलास जो है थोड़े महंगे होते हैं, वो आपका 250 रुपये पर केजी के हिसाब से स्टार्टिंग होता है, उसमें भी वैरायटी होती है अलग अलग, कई वैरायटी होती। अच्छा गिलास जो है लगभग 250 रुपये किलो से स्टार्ट होना चालू हो जाता है, उसके बाद जैसे वैरायटी बढ़ती है, बट मैं कम से कम बता रहा हूँ 250 रुपये, उसके बाद जैसे क्वालिटी बढ़ती है तो उनके प्राइस भी किलो के हिसाब से बढ़ते रहते हैं। तो चलो आगे देखते हैं और भी क्या क्या भाई के पास, जाओ शुरू करते हैं चम्मच पर, ठीक है। ये बड़े बड़े चमचे हैं, मैंने चम्मच के 5-7 सैंपल निकलाए हैं, तो इनके प्राइस पता करेंगे। ये देखो अच्छा इनके क्या क्या प्राइस हैं, सबसे सस्ता कौन सा है? ये सर देखिए ये स्पून्स जो हैं ये अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग के हैं। अच्छा आप खुद की? हाँ, मैन्युफैक्चर करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग के स्पून्स हैं। हम तो यहाँ पे क्वांटिटी में बल्क में सेल करते हैं इसको, पर केजी के हिसाब से। केजी के हिसाब से? हाँ 180 पर केजी। बट भाई ये 180 रुपये किलो के हिसाब से पड़ेंगे, समथिंग आपको 50 रुपीज़ के आसपास डजन पड़ती है, जो मार्केट में आपको 120 के आसपास से अवेलेबल होती है। अच्छा अच्छा, ये मान लो अगर किसी को 12 पीस चाहिए चम्मच के तो क्या हिसाब से देते हो आप? 12 पीस तो आपको 80 रुपये डजन में देते हैं। कितने? 80। 80 रुपये के 12 पीस, ठीक है। वैसे किलो के हिसाब से लो तो 150 केजी देते हैं, 150 रुपये किलो के हिसाब से। समथिंग आपको ये आपको 50 रुपीज़ के आसपास कॉस्टिंग आती है भाई। 150 रुपये किलो के हिसाब से चम्मच देते हैं, ठीक है ये वाली। उसके ऊपर वाली
ये फिर ये ओरिजिनल गोल्ड प्लेटेड है, 24 कैरेट गोल्ड की है, बट ये इसकी क्वालिटी ये है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा हाँ, ये थोड़ी एक्सपेंसिव है बट चीज़ बहुत बढ़िया है। अच्छा ये क्या हिसाब से? ये समथिंग आपको 400 के 6 पीस का पैकेट होता है। 400 रुपये कितने पीस आएंगे? 6 पीस का पैकेट, 6 पीस आएंगे। हाँ, इतना महंगा यार? हाँ बिल्कुल। हाँ यार है, वेट भी है। हाँ इसकी कॉस्टिंग जो है वो मेन जो आती है, ये जो आपको ये गोल्ड दिख रहा है ये ओरिजिनल 24 कैरेट गोल्ड है। ये गोल्ड है? बिल्कुल जी, 100%। अजी नहीं यार, गारंटेड है सर, गारंटेड। आप किसी भी जगह उस पास चेक करवा सकते हैं। पॉलिश होगी, गोल्ड की पॉलिश होगी? हाँ बिल्कुल, गोल्ड पॉलिश। हाँ गोल्ड की पॉलिश। हाँ गोल्ड पॉलिश, जितना ही आपको ये दिख रहा है गोल्ड, ये गोल्ड पॉलिश है, कोई पीतल का या कोई आर्टिफिशियल काम भाई, ये गोल्ड की चम्मच है। ठीक है, और ये भी सेम ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। इसके बाद ये हैवी एक्सक्लूसिव स्पून हमारे भाई, इन पे है ना गोल्ड चढ़ा हुआ भाई, गोल्ड की पॉलिश हो रखे। जब ये 400 रुपये किलो बता रहे हो? ये डजन 6 का पैकेट। अच्छा 6 पैकेट का है, दर्जन आएगा 400 रुपये का। इसके बाद ये, उसके बाद ये फिर, हाँ हाँ ये जो है आपका स्पून जो है एक्सक्लूसिव क्वालिटी है, जो अपने नॉर्मल रूटीन में चलता है, नॉर्मल में हैवी क्वालिटी है। हाँ। इसकी क्वालिटी ये है, पीछे से बिल्कुल एकदम जरकन नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है एकदम। अच्छा अच्छा, हाथों में चुभता नहीं है, चीज बढ़िया है। कितने ये आपका 150 का पर डजन है? अच्छा, डजन का 150 रुपये का दर्जन के हिसाब से? ये डजन के हिसाब से। ठीक है, ये भाई चम्मच होगी। अब ये चमचे देखो, ये चमचा ये ला। हाँ ये कुकिंग रेंज में आते हैं अपने, ये आपका 50 का है, 40 का है, 80 का है, इस हिसाब से। सस्ता कौन सा है? तो ये वाला, ये चमचा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चमचे बोलते हैं तो भाई, चमचा चमची। हाँ ये कितने पड़ेगा? ये आपको पड़ता है 55 का एक पीस। ये 55 रुपया पड़ेगा भाई। हाँ। ये इतना बड़ा चम्मच जो है चमचा। हाँ। इसके ऊपर फिर ये आएगा ये कितने पड़ेगा? ये 85 का आएगा, ये 85 का। इसके बाद उधर इसके आगे ये 90 का, ये 90 रुपीज का आएगा भाई। पलटा होता है? हाँ ये क्या होता है? ये पलटा होता है। हाँ ये पलटा होता है। हाँ ये कितने पड़े? ये भी सेम वही रेंज आती है, 50, 80, 85 के अकॉर्डिंग इनका प्राइस होता है। ये करछी है? हाँ ये पोनी है। पोनी? हाँ ये पोनी करते हैं। ये कितने होते हैं? ये भी सेम वही, कॉस्टिंग सबकी सेम होती है, साइज के वाइज। हाँ साइज वाला भाई 40 रुपये स्टार्ट हो जाएगा। हाँ 40, 50, 60 इस हिसाब से ये आएंगे। हाँ इससे सस्ते भी है। ये छन्नी कितने की है? छन्नियाँ कितने कितने की? छन्नियाँ भी इसमें बहुत सारी रेंज है। क्या क्या रेंज है? अब जैसे ये है, ये 25 की रेंज, ये 25। सबसे कम वाला कौन सा है? तो सबसे कम रेंज में होती है अपने 10 रुपये की रेंज में होती है, वो यहाँ पर डिस्प्ले में नहीं है। ये भी भाई ये छन्नी 10 रुपये की है। ठीक है, और ये बाजार में कितने की मिलती है? ये आपको बाजार में नॉर्मल कहीं भी किसी शॉप से लोते हो तो 25 रुपये स्टार्टिंग इसकी होती है भाई। 25 रुपये की बाजार में मिलती है, यहाँ आपको 10 रुपये मिलती है। इसके ऊपर ये फिर ये बताया था आपको, ये 25 रुपये की है भाई। हाँ। ये छन्नी 25 रुपये की। इसके बाद ये बाजार में आपको 80-85 समथिंग, ये 80-80 रुपये की मिलेगी, यहाँ आपको 25 रुपये की ये प्रोवाइड करा देंगे आगे। ये 70 रुपीज के है, ये 70 रुपीज के भाई। आपको बाजार में 120-125 की रेंज। हाँ ये वहाँ तो महंगी मिलेगी। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया चीज़ है और ये डबल जल्दी के अंदर है। अच्छा ये घिया घस है? ये घिया का कितने पड़ेगा? 110 रुपये की रेंज का है ये 110 रुपये की रेंज का है। ये ग्लेयर का ब्रांड है, चीज़ बढ़िया है, ब्रांडेड में अपना। अच्छा, और ये नीमू है? नीमू निचोड़ ये 110 रुपये की आइटम, ये 110 रुपये की। हाँ इसमें आपको ना 50 रुपये से स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा 50 वाला कौन सा है? 50 रुपये में भी आता है, वो है अंदर दिखवा दूंगा। चलो ठीक है, ये सबसे सस्ता डोल कौन सा आपके पास? सबसे सस्ता डोल ये आएगा तो भाई, ये एक डोल है, ये कितने लीटर का है? ये 2.5 लीटर का। ये 2.5 लीटर का है, कितने का आएगा? ये आएगा आपका 155 रुपये का। ये 155 रुपये का डोलू है। ये पर केजी का हिसाब भी होता है, केजी के हिसाब से लिया तो 50 रुपये केजी। ये 2.5 सेट आएगा 5 पीस का। अच्छा पाँच का सेट आएगा किलो के हिसाब से लोगे तो, किलो के हिसाब से लोगे तो 250 रुपये किलो पड़ेगा भाई ये। ठीक है, और उसके बाद ये कितने का है? ये भी डोल है, ये भी 250 रुपये किलो के हिसाब से सही। ये 300 रुपये किलो, ये 300 रुपये के हिसाब से भाई। इसमें भी आपको आपका 1 लीटर से लेके और 15 लीटर साइज तक का मेरे पास अवेलेबल है। अच्छा, अच्छा ये भी वाइट वेट होता है, इससे भी बिकता है जैसे बस बाकी। हाँ ये चाय की कितली कितनी पड़ेगी? ये आपको मात्र 110 रुपये का पीस पड़ता है। ये चाय की कितली भाई? 110 रुपये पड़ेगी। ठीक है, इसको गंदा बना हुआ है, कभी खराब नहीं होता है, इसमें जलता है ना चिपकता है। अच्छा ना ये जलता है, ठीक है, और ना कभी खराब होता है। 110 रुपये पड़ेगी भाई। ठीक है, आगे चलते हैं, हैवी वेट के अंदर है।